हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके बच्चे भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मियों में मैंने मेरे बजरी के जोड़ों के सारी मटकियाँ निकाल दी थी। और दोस्तों, अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैंने वापस से मटकियाँ लगाई और बहुत जल्दी मेरे बजरी के जोड़ों ने ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया और उसी की प्रोग्रेस आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। इस मटकी में बजरी की मादी ने 5 अंडे दिए थे और उन 5 अंडों में से 2 में से बच्चे निकाले और 3 अंडे ख़राब कर दिए थे और 2 बच्चों में से भी एक बच्चे की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और दूसरा बच्चा भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी और बहुत बड़ा हो चुका है, उसके सारे पर आ चुके हैं। ये जो येल्लो कलर का है वही है बच्चा, और बहुत ही अच्छा कलर है येल्लो का और वाइट है थोड़ा सा, और ऊपर से ये रेड आई है। और देखिए दोस्तों, इस मादी ने 2 अंडे और दे दिए। देखिए, बच्चा अभी तक मटके से बाहर भी नहीं आया और मादी ने अंडा भी दे दिया है, वो भी 2। और ये कुछ मेरे जोड़े जो अभी तक ब्रीड स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, और ये 3 पट्टे मैंने अलग से केज में रख दिए। अभी ये भी रेडी टू ब्रीड है, ये भी बहुत जल्दी ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने भी जोड़ा लगभग बना लिया है। मैंने एक मेल के साथ 2 मादी रखी थी और ये दूसरे जोड़े जिन्होंने ब्रीड स्टार्ट किए, ये जोड़ा है इसने 4 अंडे दिए थे और कल ही इस मादी ने 1 अंडा बाहर फेंक दिया, तो मैंने बाकी के अंडे चेक किए तो लगभग वो ख़राब ही हो चुके थे, तो मैंने सारे अंडे भी बाहर निकाल दिए। और ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है, तो बहुत जल्दी वापस से ब्रीड करेंगे, जल्दी अंडा दे देंगे। और इस मटके में भी अंडे दिए थे, इसमें अभी हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की आवाज़ तो आ रही है। हाँ दोस्तों, इसके फीमेल के नीचे शायद बच्चे 1 से 2 होंगे और अंडे का छिलका भी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मादी है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। ये इनके ऊपर से अभी नहीं हटेंगी, मैं मटकी नीचे उतारूंगा तो भी नहीं हटेंगी, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये वो मेल है जो मेरे अंकल के घर से पकड़ा था मेरे अंकल ने, और इसने भी जो हमारे घर की मादी थी उसके साथ ब्रीड जोड़ा बना लिया है, तो ये भी बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। और मैं इनको इस केज में रखने वाला हूँ और ये 3 पट्टों को इस बड़े से केज में रखने वाला हूँ। और तो देखिए दोस्तों, रेड आई का वो बच्चा बहुत ही सुंदर है और अभी ये बड़ा हो चुका है, तो मटकी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है बार बार। देखिए दोस्तों, इसके सारे पर आ चुके हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक मटकी में रहेगा, बाद में बाहर आ जाएगा। जब बच्चा मटकी में हो और फीमेल वापस से अंडे दे देती है, तब बहुत सारी ऐसी फीमेल भी होती है जो बच्चों को मारती है और मटकी से बाहर फेंक देती है, और कोई कोई फीमेल तो ऐसे भी होती है जो बच्चों को मार ही डालती है। तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, शायद मुझे लग रहा था ये इसको भी मारेगी, लेकिन ये फीमेल बहुत अच्छी है, इसने चोट तो नहीं पहुँचाई, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ इसको फीड नहीं करा रहे ये लोग। कल मैं बहुत टाइम तक इस पे ध्यान रखा था कि ये इसके जो पेरेंट्स हैं ये इनको फीड कराते हैं या नहीं, तो मैंने देखा कि फीमेल इसको फीड बिल्कुल भी नहीं करा रही थी, लेकिन जो इसका फादर है मेल वो थोड़ी थोड़ी देर तक मैं आकर इसको फीड करा रहा है। आज भी मैं इसको देखूंगा कि इसको ठीक से खाना खिला रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर इसको फीड कराना बंद कर देंगे तो ये बच्चा मर जाएगा, तो देखते हैं। और अगर फीड नहीं कराते हैं तो मैं इसको मटकी से निकाल कर अलग केज में रख दूंगा। और तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।